अखिलेश भाई, अपनी तो एक महीने की छुट्टी पक्की हो गई। बहुत बधाई यार छुट्टी के लिए। भाई अब की बार घर बिना बताया जाऊंगा। अच्छा, सरप्राइज देना है भाई। हाँ सतवीर भाई, जब घर वाले देखेंगे ना मुझे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है भाई, थोड़ा केयर से जाना यार, बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर वालों की तरफ से यार। ठीक है भाई, संपर्क करते रहना। ठीक है हाँ भाई, पिताजी से भाई राम राम कहना। जरूर भाई। पिताजी और सोनम मुझे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। सोनम हाँ, मुझे सरप्राइज देना था। कम से कम मुझे बता तो देते, मैं तैयार हो जाती। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम तो बिना सिंगार के बहुत अच्छी लगती हो। अरे मुझे यहीं खड़े रखोगी या पिताजी से मिलवाओगी? आओ। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मेरा बेटा है। और बेटा अचानक बिना बताए कैसे? हाँ पिताजी, हर बार तो मैं बता के आता हूँ, मैंने सोचा अब की बार बिना बताए जाऊं, देखो पिताजी क्या करते मिलेंगे। और मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। देख ले बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। पिताजी थोड़ा ठंड में रहा करो, आजकल मौसम बहुत गर्म हो रहा है। और सोनम तू पिताजी का ध्यान रखा कर। देख लो पिताजी आपके बेटे क्या कह रहे हैं। अरे मेरे बेटे की बहू जैसी भगवान हर किसी को दे। पिताजी इनसे पूछो ना, इस बार ये बिना बताए क्यों आ गए। अरे बहू, मेरा बेटा फौजी है, फौजी। और तुझे पता है फौजी कितने होशियार होते हैं। हाँ पिताजी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो, अब की बार कितने दिन की छुट्टी मिली है? पिताजी अब की बार ना मुझे एक महीने की छुट्टी मिली है, और एक महीना ना मैं तुम लोगों के साथ बिताऊंगा। सोनम ये तो बड़ी खुशी की बात है जो हमारा बेटा हम लोगों के साथ पूरा एक महीना बिताएगा। आप सच तो बोल रहे हो ना, आप सच में हमारे साथ एक महीना रहोगे? हाँ सच में। बेटा अब बातें करते रहोगे, जाओ कुछ चाय नाश्ता ले आओ। पिताजी फोन पर किससे बात चल रही थी? बेटा वो तेरी बुआ जी से बात चल रही थी। अच्छा पिताजी, पिताजी तुम ये बताओ सोनम तुम्हारा ख्याल तो रखती है ना? हाँ बेटा, सोनम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ठीक है पिताजी, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। सोनम क्या बना रही हो, तुम मेरे कपड़े निकाल दो, मैं चेंज कर लेता हूँ। कपड़े तो तुम्हारे अलमारी में रखे हैं, तुम जाके बदल लो, मैं चाय बना लेती हूँ। अरे यार तुम गैस बंद करो, मैं तुम्हारे पास चाय पीनी थोड़ा ही आया हूँ। अरे यार अभी नहीं, तुम एक काम करो कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे पास अभी आती हूँ। लो जी चाय पी कर जाओ जहाँ भी आप जा रहे हो। बस मैं खेतों की तरफ घूम कर अभी आया। अरे आपको आए हुए अभी 3 घंटे नहीं हुए और फिर चल दिए। बस यार 10 मिनट में अभी आया। अरे आप जा तो रहे हो, पहले ये तो बता दो खाने में क्या खाओगे। कुछ भी बना लो, हमारे साथ खाने में तो हर चीज अच्छी लगती है। जल्दी आना। और जीतू भाई कब आ गया, ठीक तो है ना? और सुना माँ भी ठीक हैं? हेलो जी सर, जी ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन हो गई। चलो ठीक है भाई, एक बार बात करके देख लेते हैं।
यार पहले तेने सर बोला था और बाद में भाई। यार रंजीत का फोन था, वो हमारा सीनियर है और यार तू तो जानता ही है जब एक साथ का खाना पीना होता है, उठना बैठना होता है तो भाईचारा बढ़ जाता है, तो भाई तो बोल देते हैं। अच्छा भाई क्या कह रहा था फिर वो? भाई उसके पास फोन आया था, छुट्टी कैंसिल हो गई, सभी को वापस जाना पड़ रहा है। क्या भाई अभी वापस जाएगा? और तू तो कह रहा था एक महीने की छुट्टी है। भाई और कन्फर्म करके देख लूँगा। भाई बड़े ऑफिसर से फोन करके देख ले, क्या पता किसी ने तेरे साथ मजाक कर दिया हो। भाई फौजी से मजाक कौन कर सकता है। देख भाई सर का फोन आ गया। जहन सर, मैं जीतू। जी सर मैं पक्का समय पर पहुंच जाऊंगा। जय हिंद सर। भाई जीतू तुझे जरूर जाना चाहिए भाई। जितेंद्र भाई मैं जाऊंगा तो जरूर, पर यार घर वालों को कौन समझाएगा, मैंने उनसे कह रखा है कि मैं एक महीने की छुट्टी पाया हूँ। भाई ऐसे मौके कभी कभी मिलते हैं और तुझे तो गर्व होना चाहिए। यार मैं क्या मना कर रहा हूँ जाने को, मैं जरूर जाऊंगा ठीक है, और फिर आने के बाद मिलते हैं ठीक है भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। भाभी तुम्हें कुछ पता है, बॉर्डर पर बहुत तगड़ी जंग झड़ रही है। ओम ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सुरेश के फोन पर फोन मेरे सामने आया था कि बॉर्डर पर बहुत तगड़ी जंग झड़ रही है। भाभी तुम सुरेश को जाने मत देना, जो सुरेश के बड़े भाई थे ना वो ऐसे ही जंग में शहीद हो गए। ओम तुम सही कह रहे हो, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। भाभी अगर तुम्हारी बात नहीं माने ना तो घर छोड़ के अपने पीर चले जाना। ओम मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हारे भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं कहूँगी तो मान जाएंगे। भाभी प्यार तो उस दिन दिख जाएगा जिस दिन विधवा होकर उधर भटकती फिरोगी। सुरेश शाम को 6:30 बजे निकल जाएगा और मैं तुम्हारे लिए यही समझाने आया था। आगे तुम्हारी मर्जी रही, मैं तो चला अपने घर। पिताजी एक दिक्कत हो गई। हाँ बेटा बता क्या दिक्कत हो गई? वो ना वो छुट्टी कैंसिल हो गई। अरे क्या बेटा ऐसे कैसे कैंसिल हो गई? पता नहीं पिताजी कैसे कैंसिल हो गई, मुझे कल 6:30 बजे जाना होगा। अरे तू कल परसों तो आया है और तू कह रहा है मैं 6:30 बजे जाऊंगा? हाँ पिताजी जब सर का फोन आया है तो जाना तो पड़ेगा। तू 4 दिन घर नहीं रह सकता, हम क्या करेंगे ऐसी नौकरी का, छोड़ दे इसे। अरे पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, देश की सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। बेटा तेरा बड़ा भाई भी यही कहता था कि देश की सेवा करने का हर किसी को मौका नहीं मिलता, पर अब मैं तुझे खोना नहीं चाहता। पिताजी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने बड़े भाई का बदला जरूर लूंगा और आप उदास मत हो। बेटा हमारे पास किसी चीज की कमी है क्या, जब इसे कोई बरतने वाला ना रहेगा तो हम क्या करेंगे इसका? पिताजी ये तुम गलत सोच रहे हो, मैं एक शहीद फौजी का भाई हूँ, मेरी रगों में ही भाई खून है। पिताजी मुझे जिसने जन्म दिया उस माँ का ही साया नहीं मिला, भारत माता को मैं खोना नहीं चाहता, ये भी तो मेरी एक माँ है। अगर पिताजी इस समय पर मैं नहीं गया तो लोग मुझे बहुत बुरा कहेंगे। बेटा मेरा मन तो कर नहीं रहा कि तू जाए, और मुझसे ऊपर होके जाना चाहता हो तो चला जा, बाकी तेरी मर्जी। अरे पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए और आप हौसला बढ़ाने की जगह मुझे कमजोर कर रहे हो। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम दोबारा वापस जा रहे हो? अरे यार तुमसे किसने कह दी? ये सारी बातें छोड़ो, पहले तुम ये बताओ वापस जाओगे तुम? हाँ यार वो सर का फोन आ गया था, वापस तो जाना पड़ेगा। ऐसा है मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। सोनम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा इंतजार देखते देखते पूरे 2 साल हो गए, पूरे 2 साल में आए हो तुम और फिर जाने की बात करने लगे। ऐसा है मैंने कह दिया ना नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे बस। सोनम तुम ऐसी बात करके मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं कोशिश नहीं कर रही, मैं तुम्हें रोक ही रही हूँ,
अगर तुम इस घर से बाहर गए तो मैं इस घर को छोड़ के अपने पीहर चली जाऊंगी, समझे तुम? नहीं सोनम, ऐसा मत कहो। मेरे जाने के बाद पिताजी का सहारा बस तुम ही तो हो। तुमने पिताजी का तो सहारा देख लिया, लेकिन तुमने ये सोचा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? मैंने 2 साल की रातें बहुत डर डर के काटी है, तुम्हें कुछ पता भी है? यार इसमें डरने की क्या बात है, जब मुझे 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब 1 साल में क्या हो जाएगा? मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे बस। पागल, 2 साल हमने फौज का नमक खाया है इसीलिए कि भारत माँ की सेवा में खड़े हैं। कोई आँच नहीं आने देंगे, हम खड़े हैं हथियार लेकर अपनी कुर्बानी देने के लिए, और तू ऐसी बातें कर रही है? इस तरीके से तो हम नमक हराम ही हो जाएंगे, ऐसी बातें नहीं करते। पागल, जा मेरा बैग लेकर आ। मुझसे नहीं हो रहा बैग तैयार तुम्हारा, खुद कर लो। अरे यार ये तुमने क्या हाल बना रखा है, 3-4 दिन की बात तो है, जैसी लड़ाई खत्म होगी मैं आ जाऊंगा। मेरे जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएंगी। अरे पगली, तू ही रोने लग रही है तो पिताजी का क्या होगा, अच्छा से ध्यान रखना। मैं थोड़ी ना रो रही, तुम जरूर आकर मत जाओ ना। मेरे साथ ये वादा कर तेरे बिना। भाई तू चिंता मत कर, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आओ सत्यवीर। वंदे मातरम। मैं आ जाऊंगा। लगाना दोष बाद दे।